उकाड़ा के नौजवान से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जो कि उकाड़ा से मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा पैदल पहुँचे। लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी प्यार मोहब्बत देने में, कई कई तो रोना शुरू कर देते थे। मेरा मक्का मुकरमा पहुँचना, हज करके वापस आना, ये मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि एक दफा बस दरमियान में मुझे लगा कि शायद मुझे किए बगैर वापस जाना पड़ेगा। उस्मान भाई, उकाड़ा से मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा कैसे, वो भी पैदल? पैदल सफ़र करना मेरी ख्वाहिश थी और इस सफ़र का इरादा मैंने तब किया जब मैंने अपना पहला सफ़र मुकम्मल किया। पहला सफ़र मैंने अपना 2021 में उकाड़ा से चाइना बॉर्डर तक किया था पुरअमन पाकिस्तान के लिए, और वो मेरा सफ़र 34 दिन का था, 1270 किलोमीटर्स का फासला मैंने तय किया था। जब मैंने वो सफ़र मुकम्मल किया उसके बाद मैंने सोचा कि जब पाकिस्तान के अंदर इतना सफ़र हो सकता है तो मुझे हज के लिए पैदल सफ़र करना चाहिए, क्योंकि मैं उससे पहले कभी मक्का मदीना भी नहीं गया। तो मैं समझता हूँ कि एक मुसलमान होने के नाते हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो एक मरतबा तो लाजमी मक्का मदीना जाए। तो मैंने जो है वो फिर इरादा कर लिया, उसके बाद जो है वो इस पर मैंने होमवर्क शुरू किया। 8-9 महीने में इस पर होमवर्क किया, यानी कि रस्ते में ममालिक कौन कौन से आएंगे, उनके वीज़े कैसे मिलेंगे, उसके अलावा कौन कौन से मसाइल जो हैं वो दरपेश होंगे। तो मैंने उस पर 8-9 महीने होमवर्क किया और फिर मैंने पिछले साल 1 अक्टूबर 2022 को अपना सफ़र शुरू कर दिया। जब ये आपने सफ़र शुरू किया किसी ने घर से, जैसे कि जब मैंने पहले सफ़र का इरादा किया था उस वक्त ज़रा रोकने वाले थोड़े ज़्यादा थे, यानी कि माँ जी ने भी कहा, अबू जी ने भी कहा, लेकिन जब मैंने वो सफ़र शुरू किया और उन्होंने उसके बाद देखा 2-3 दिन बाद ही कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें हौसला होना शुरू हो गया। लोग सपोर्ट जैसे कि कैसे? मतलब कि लोग रस्ते में मिलते थे और मिलकर हौसला अफजाई करते थे, कहते थे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, और वो भी पिक्चर्स वगैरह लगा के साथ अपडेट करते रहते थे, तो घर वालों तक पहुँचती रहती थी, क्योंकि वो मेरी फेसबुक यूज़ कर रहे होते थे और ग्रुप्स में अपडेट कर रहे होते थे, तो वो उन्हें हौसला होता रहता था कि रस्ते में लोग मिल रहे हैं, बच्चा सही सलामत जा रहा है, इस तरह से। तो जब मैंने दूसरे सफ़र का बताया तो अबू जी ने मुझे 2-4 दफ़ा मना तो किया कि ये ज़रा सफ़र लंबा है, यानी कि बाहर चले जाओ, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि कुछ नहीं होता, और चूंकि अबू जी शुरू से ही बड़े सपोर्टिव हैं मेरे साथ, तो इसलिए उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर इजाज़त दे दी और मैंने भी उस पर होमवर्क शुरू किया और फिर सफ़र शुरू किया। कितने भाई हैं आप? हम दो भाई हैं। दो भाई हैं, आप बड़े? मैं बड़ा हूँ। क्या काम कर रहे हैं? मैं उकाड़ा यूनिवर्सिटी से BS मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, और उसके अलावा मैं ऑनलाइन वर्किंग भी करता हूँ। ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये सफ़र कब शुरू किया? मैंने 1 अक्टूबर 2022 को ये अपना सफ़र शुरू किया था, और पाकिस्तान में बलूचिस्तान से होते हुए मैं ईरान दाखिल हुआ, ईरान से मैं UAE दाखिल हुआ, UAE से मैं सऊदी अरेबिया दाखिल हुआ, और 13 अप्रैल 2023 को मैं मक्का मुकरमा पहुंचा। घर वालों ने कब तक, कैसे, कहां तक साथ दिया? घर वाले पूरे सफ़र में मेरे साथ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ईरान के बॉर्डर तक, तफसान बॉर्डर तक मेरा छोटा भाई और भांजा बाइक पे मेरे साथ थे। अच्छा। वो बाइक पे मेरे साथ साथ रहे, मैं पैदल चलता था, वो बाइक पे चलते थे, फिर ईरान के बॉर्डर से वो वापस आ गए थे। रिलेटिव का कैसा रिएक्शन था? अल्हम्दुलिल्लाह, इस सफ़र में रिश्तेदारों ने मुझे, मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वो गाहे बगाहे, यानी कि जैसे मेरे घर वाले मेरे साथ अटैच थे, वो मेरे साथ अटैच रहे। मेरे तायाबू की तकरीबन मुझे रोज़ाना कॉल आती थी। अच्छा। मेरे चाचों की मुझे कॉल आती थी, और बाकी रिश्तेदारों की भी मुझे वक्तन फवक्तन कॉल आती रहती थी। उसके अलावा जो मेरे उस्ताज़ा हैं उनके मुझे पैगाम मसूल होते रहते थे। तो मतलब किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जो जितनी सपोर्ट कर सकता था उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा, जब पाकिस्तान बॉर्डर आपने पार कर लिया, उसके बाद क्या मुश्किलात? उसके बाद ईरान में सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और बलूचिस्तान के अंदर तो 50-60 किलोमीटर के बाद कोई आबादी नहीं आती, लेकिन ईरान के अंदर तकरीबन 150-200 किलोमीटर के तक कोई आबादी नहीं आती। उसमें फिर खाने पीने का सामान साथ उठा के चलना पड़ता था, फिर खेमा लगा के रात गुजारनी पड़ती थी। अकेले थी जी, इस तरह की मुश्किल नहीं ईरान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर मैंने सफर अकेला किया था, फिर ईरान के अंदर मेरे साथ 2 साथी और मौजूद थे। अच्छा जी। फिर उसके बाद जब 2 दोस्त आपके साथ मिल गए, फिर अगला सफर कैसे? अगला सफर फिर ये था कि इराक का वीज़ा बड़ी कोशिश के बावजूद नहीं मिल सका, जिसकी वजह से रूट तब्दील करना पड़ा ईरान से UAE, और वो दरमियान में जो थोड़ा सा पैच है वो चूंकि ईरान और UAE का ज़मीनी रास्ता नहीं है, तो वो फिर बहरी जहाज़ के ज़रिए क्रॉस करना पड़ा, और फिर ईरान का शहर बंदरबाज से बहरी जहाज़ के ज़रिए फिर मैं शारजा पहुँचा, वहाँ से फिर आगे पैदल सफ़र शुरू कर दिया। ठीक है, शारजा से आगे कितना सफ़र है मक्का मुकरमा? शारजा से आगे तकरीबन सर जो सफ़र है वो कोई होगा 2200 किलोमीटर के राउंड होगा। ठीक है जी। वो कैसे गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा, लेकिन ये है कि UAE में जैसे दाखिल हुए फिर गर्मी शुरू होगी। ठीक है। वहाँ पे भी काफ़ी गर्मी थी, लेकिन UAE के अंदर कोई मसला नहीं था, क्योंकि वहाँ पे रोड्स पे लाइट्स लगी हुई हैं। रात को 11-11:30 बजे तक भी सफ़र किया, वहाँ पे खेमा लगा के सोने में कोई मुश्किल नहीं हुई। मुश्किल तो खेमा लगा के सोने में ईरान में भी नहीं हुई। ठीक है। उसके बाद सऊदी में दाखिल हुए, वहाँ पर भी बहुत गर्मी थी, लेकिन मसला ये था कि रस्ते में जो पाकिस्तानी दोस्त बाप थे उनमें ज़्यादा ट्रक ड्राइवर्स थे, क्योंकि ट्रैफिक चल रही होती है उसमें ज़्यादा ट्रक ड्राइवर्स पाकिस्तानी
पानी होते हैं और भी होते हैं, तो वो रुकते रहते थे, सपोर्ट करते रहते थे, पानी दे दिया, खाना बना के दे दिया, चाय बना के दे दी, तो वो पता नहीं चलता था, वो ऐसे ही लगता था जैसे आबादी में से गुजर रहे हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सफर बड़ा अच्छा रहा। अच्छा, सफर ज्यादा रात को करते थे दिन को करते थे? सफर ज्यादा दिन में होता था, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि यूएई के अंदर रोड्स पे लाइट्स लगी हुई थी, तो फिर रात 11:30-11:30 तक भी सफर किया है। इस सफर में कोई ऐसा वाकया जो कभी ना भूलेगा? अब बलोचिस्तान के अंदर मेरा बैग गुम गया था जिसके अंदर मेरे सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, फिर वो एक दिन मैंने सफर नहीं किया, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा। कैसे ये चीजें तो बंदा अपने साथ ही रखता है, आपको पता है कि कहते हैं कि यार ये गई तो मैं गया, ऐसे ही है। मैंने अपनी तरफ से तो वो चीज बैग एक छोटा था, वो जैसे आपको बताया कि मेरा भाई और भांजा बाइक पे साथ थे, तो मैंने अपने भांजे के जिम्मे लगाया था। मैंने जिम्मे ही इसलिए लगाया था और मैंने उसको बड़ी सख्ती के साथ मना किया था, कुछ भी हो जाए ये बैग नहीं उतारना। वो मुझे यही था कि कहीं मैं अपने पास बड़े बैग में रखूंगा तो उसमें से कहीं आगे पीछे ना हो जाए, लेकिन वो ये है कि डेफिनेटली जब गलती होनी होती है वो फिर चूंकि, और उसने बड़े दिन उतारा भी नहीं, फिर वो एक दिन मैं था और एक सिक्योरिटी वाला मेरे साथ था, हम आगे पैदल चल रहे हैं, ये पीछे रुके हैं कि पानी पीने के लिए, तो वो ना उन्होंने उतार के बैग बाइक के साथ हैंडल के साथ हैंग कर दिया, तो वो फिर बाद में मेरे तक पहुँचने के चक्कर में बाइक उन्होंने भगाई है, तो वो उतार के पहनना भूल गए। अच्छा, तो वो 10 मिनट बाद संभाला है, तो 10 मिनट बाद फिर वो कहाँ मिलना था, वापस गए हैं, लेकिन वो नहीं मिला। तो वो मेरे लिए तो एक ऐसे ही था जैसे पांव के नीचे से जमीन निकल गई है, एक मैं बड़ा परेशान, यानी कि इवन के यहाँ तक कि मैंने इन्हें कहा कि एक दफा मुझे नजर ना आना तुम लोग दोनों, डेफिनेटली वो मैंने कहा कि जब मैंने मना किया था कि बैग नहीं उतारना तो फिर क्यों उतारा, यानी कि, लेकिन बहरहाल वो मुझे अबू जी ने बाद में समझाया कि अल्लाह पे यकीन रखो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह पे तवक्कल किया और उसके बाद मैंने अपना सफर शुरू कर दिया, और 10 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा सारा सामान मिल गया। कैसे? वो वही बलोचिस्तान का शहर मस्तूंग, वहाँ के एक डॉक्टर थे, उनके पास कोई मरीज आया था, उनके हाथ में कुछ सामान था, उन्होंने फिर वो डॉक्टर साहब ने उनको पैसे दिए और कहा जी बाकी सामान भी लेकर आओ, तुम्हें और पैसे भी दूंगा, तो वो फिर बाकी सामान भी ले आया था। ठीक हो। तो फिर वो उन्होंने फिर पीछे मेरे तक पहुँचा दिया। अच्छा, मदीने में कब इंट्री हुई? मदीना में तो मैं तकरीबन 25वें रोजे जो है मैं चला गया था मदीना में। सारा सफर कितने दिन तक था? ये 6 महीने 13 दिन का सफर था पहुँचने तक का। ठीक है जी। इस सफर में जो मुश्किल आई, मुश्किलात मौसम के हवाले से थी, मौसम के हवाले से थी। फिर एक मेरा बैग गुम हो गया, ये थी। फिर एक इराक का वीजा का ना मिलना था, वो हो गई। बाकी अल्लाह का शुक्र है सब। जब वहाँ पहुँचे जो है, कैसी खुशी थी? अल्हम्दुलिल्लाह उस खुशी को बयान नहीं किया जा सकता, वो बस जो बंदा उस कुर्ब से गुजर रहा होता है उसको महसूस होता है, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं पैदल पहुंच आया हूँ। आप सुनने में ये भी आ रहा है कि आप यहाँ से उमरा करने गए थे लेकिन हज भी करके आए, ये कैसे? नहीं, मैं हज के लिए ही गया था। ठीक है। अगर आप मेरे पहले दिन की भी अपडेट पढ़ें तो उसमें सारा मेंशन है कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, वो बस लोगों को पता नहीं होता, वो फिर अपने हिसाब से बात कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा किन लोगों ने मोहब्बत? पाकिस्तान कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा सऊदीया में सऊदीया वालों ने भी दी, यूएई में यूएई के जो नेशनल्स हैं उन्होंने भी दी मोहब्बत। ठीक है। आपका ये सारा सफ़र कितने खर्चे पे डिपेंड कर रहा है? ये 20 लाख रुपए पे। तो ये नहीं सोचा कि इतना खर्चा हो गया है, अगर बाई एयर जाता तो वो कम होना था? नहीं, पैसों की क्या बात है, पैसे तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन इंसान, मेरी ख्वाहिश थी पैदल जाना अल्हम्दुलिल्लाह, वो पूरी होगी। ठीक है। पैसे आते जाते रहते हैं, अच्छा कोई ऐसी खुशी जो आपको कभी ना भूलेगी? मेरा मक्का मुकर्रमा पहुंचना, हज करके वापस आना, ये मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि एक दफ़ा बस दरमियान में मुझे लगा कि शायद मुझे किए बगैर वापस जाना पड़ेगा। अच्छा। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैसा लम्हा था वो मेरे लिए बड़ा, बस मैं परेशान था, मुझे नींद भी नहीं आती थी, डेफिनेटली जिस मकसद के लिए मैंने इतना लंबा सफ़र किया था, और जब एक दफ़ा मुझे लगा कि शायद मैं किए बगैर वापस चला जाऊँगा, तो वो बड़ा डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। लेकिन बात वही है कि हिम्मत नहीं छोड़ी। एक्चुअल में मैं आखिरी बॉल तक खेलने वाला इंसान हूँ। ठीक है। जैसे इमरान खान कहते हैं सर, उनका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल तो मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। ठीक है। मुझे ये था कि जब तक मेरा वीज़ा उम्रे का एटलीस्ट वीज़ा है, मैं तब तक यहाँ बैठा ट्राई करता रहूँगा। अच्छा, रास्ते में खाना कहाँ से कब कैसे खाया करते थे? खाने पीने का कोई टाइम नहीं था सर जी, बस जहाँ खाना मिला वहाँ खा लिया, यानी कि जैसे बलोचिस्तान के अंदर बाती नहीं थी, जब होटल आता था वहाँ पे कर लिया, कभी नाश्ता 12 बजे हो रहा है तो कभी 2 बजे हो रहा है, कभी शाम को 4 बजे हो रहा है। लोग मिला करते थे कि भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? लोग मिलते थे, कईयों को पता होता था, वो कई किसी ना किसी सोशल अकाउंट पे फॉलो कर रहे होते थे, कई रुक के पूछ लेते थे जब उनको पता चलता था, वो बड़ी मोहब्बत का इजहार करते थे, कई तो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते थे, रोना शुरू कर देते थे, उनको देख के मुझे अजीब सा फील होता था यार, लेकिन मैंने आपको कहा कि लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी प्यार मोहब्बत देने में। अच्छा, पाकिस्तान की जो है वो पैसे वो और चीज़ है, उसके अगली बॉर्डर पार की वो और चीज़ है, फिर अगला की वो और चीज़ है, ये किस तरह मैनेज करते रहे? ईरान की कुछ करेंसी में यहाँ से लेकर गया था, यानी कि वो तफसान बॉर्डर के करीब से ईरान का बॉर्डर से, वहाँ वो
तब्दील हो जाती है, तो वो लेकिन मेरी ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये था कि एक शख्स थे वो मुझे फेसबुक पे फॉलो करते थे, उनका ईरान के अंदर सेटअप है, उनका बिजनेस है वहाँ पे। उन्होंने फिर अपने वहाँ पे टीम मैनेजर को कहा, तो मैंने अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से पैसे इधर उनके बैंक में भेज दिए, पाकिस्तानी अकाउंट में। उन्होंने मुझे वहाँ पे ईरान की करेंसी दे दी। बाकी ममालिक में भी मैं ऐसे ही करता था। यूएई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी इतने हैं और दोस्त बाप इतने हैं कि उनसे वहाँ की करेंसी लेके उनके किसी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते। किस दिन वापस आए? मैं वापस आया हूँ जी 15 जुलाई को मैं लाहौर पहुँचा हूँ, और 16 जुलाई को मैं भाई और 16 जुलाई को फिर मैं उकाड़ा आया हूँ। लोगों का अब रिएक्शन कैसा है? वालिदैन क्या कहते हैं? हमारा पुत्र जो है वो पैदल गया था, लोग तो बातें करते होंगे उनको और वो खुश होते होंगे। वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं, लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। लास्ट पे जो आवाम आपको देख रही है, अगर कोई बंदा जाना चाहता हो तो वो रास्ता किस तरह कैसे 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 जाए? सर इसमें दो चीज़ें हैं, आपने उमरा के लिए जाना है या हज के लिए। अगर आपने उमरा के लिए जाना है तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन आपको 8 लाख रुपए आपको चाहिए होंगे, ठीक है जी। पाकिस्तान से आपने ईरान, ईरान से आपने बंदरबास, ईरान का शहर है, वहाँ से आप बहरी जहाज़ के ज़रिए यूएई जाएंगे, शारजा उतरेंगे, वहाँ से फिर पैदल चल के आप यूएई से सऊदी अरब दाखिल हो जाएंगे। ईरान का वीज़ा आपको पाकिस्तान से मिल जाएगा। अगर आपने लाहौर से लेना है तो आप लाहौर से जो है उनके कौंसलेट से खुद जाके ले सकते हैं। अगर आप कोयटा के करीब करीब हैं तो वहाँ पे कोयटा के अंदर 2 एजेंट्स हैं, वो आपको एजेंट के थ्रू ही वीज़ा लेना पड़ेगा। ईरान का वीज़ा आपने ले लिया, ईरान आप दाखिल हो गए, बाकी सारा एस्टिमेट आपने खुद लगाना है कि आपको टाइम कितना लगेगा वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो हर बंदे की अपना है वो कितना चलेंगे कितना नहीं चलेंगे। उसके बाद अगर आप उमरे के लिए जा रहे हैं तो यूएई का और सऊदी अरब का उमरे का वीज़ा ई वीज़ा है। ई वीज़ा से मुराद है कि वो जैसे कोई भी प्रिंट हमें आता है, एक पेज आता है, वो हमें आ जाएगा। आप कोई ऐसा एजेंट जो कि सऊदीया का वीज़ा, उमरे का वीज़ा लगाता हो, यूएई का वीज़ा लगाता हो, आप उसको पैसे भेजेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, वो 4-5-6 हफ्ते दिन के अंदर आपको वीज़ा भेज देगा। वो आपने खुद एस्टिमेट लगाना, जब आपको लगे जी अब आप 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद यूएई दाखिल होने वाले हैं, आप वो पैसे भेजें एजेंट को तो वो आपको लगा के भेज देगा। और इसी तरह आपने सऊदीया का करना है और उमरे के लिए आपने दाखिल हो जाए। भाई एयर जो है वो कितना खर्चा आ जाता है? भाई एयर सर मुख्तलिफ है, गवर्नमेंट की इस साल 12.5 लाख रुपये फीस थी। प्राइवेट अगर आपने जाना है तो वो डिफरेंट है, यानी कि वो डिपेंड करता है आपके होटल्स आपने किस तरह के लेने हैं, खाना किस तरह का लेना है, तो वो उस पर डिपेंड करता है, वो डिफरेंट प्राइस होती है। आपने होटल कहाँ पे लिया था? नज़दीक था, दूर था? सर मैं नज़दीक था, यानी हज से पहले मैं नज़दीक था, उसके बाद चूँकि फिर मैंने भी पाकिस्तान में जो बाकी लोगों ने फीस जमा करवाई है वो मैंने भी जमा करवाई है, तो फिर वो गवर्नमेंट की जो रिहाइश थी बाद में वो करवाई थी। मतलब वो जब हज का, क्योंकि मैं तो जब इंटर हो गया हूँ सऊदीया, उस वक्त तो भी हज का ही यानी कि प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ था ना, ठीक है जी। तो वो जब हज का प्रोसेस शुरू हुआ, फिर मैंने काफ़ी रब्ता करने की कोशिश की, उसमें ये था कि मेरा ये था कि एटलीस्ट मेरे से रब्ता किया जाए, क्योंकि मुझे ये था कि मैं पैदल आया हूँ, और फिर मेरा ये था कि मेरा वहाँ पे रहने खाने पीने का इंतजाम अपने हैं, तो मेरा ये था कि मुझे सिर्फ हज के वीज़े के पैसे लें, बाकी यानी कि मुझे छोड़ दें, या बाकी उन्हें जो लगता है कि उनके जो ज़रूरी पैसे हैं, जैसे कि 5 दिन हम मीना मुज़दलिफा अरफात में क़याम करते हैं तो वो पैसे सऊदी गवर्नमेंट को जाते हैं, तो वो ले लें, मतलब कि जो ज़रूरी हैं वो ले लें। लेकिन वो बहरहाल जी सारे पैसे जमा करवाने पड़े, वो मैंने करवा दिया, हज का वीज़ा आ गया। उसके बाद फिर मैं बहरीन बॉर्डर से जाके एग्जिट होकर उमरा वाले वीज़े से हज वाले वीज़े पर दोबारा दाखिल हो गया, ठीक हो गया। और सर अगर आपने हज के लिए पैदल जाना है तो सबसे पहली बात आपके पास 20 लाख रुपये तकरीबन होने चाहिए। पहली बात आप हज की फ़ीस दिए बगैर हज नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा ईरान और यूएई का वीज़ा आपको वैसे ही मिलेगा जैसे कि मैंने उमरे के लिए बताया है। फिर हज का वीज़ा पहले आपको उमरा के वीज़े पे सऊदी अरब में दाखिल होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप हज के वीज़ा पे ही सऊदी अरब में दाखिल हों तो फिर आप यूएई का वीज़ा उतनी देर का लें कि जब तक हज का प्रोसेस खुलता नहीं है, आप ताकि यूएई में स्टे करें, जब हज का वीज़ा खुल जाए फिर हज के पैसे आप पीछे जमा करवाएं, आपको वीज़ा आ जाएगा हज का, तो फिर आप हज के वीज़े पे सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं। जी तो नासरीन आपने देखा, ये मेरे साथ भाई थे जो कि उकाड़ा से मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा पैदल पहुँचे। ये थी आज की वीडियो, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।